गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लू स्मोकी आइस मेकअप लुक। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने प्यारा सा मेकअप कैसे किया तो इस वीडियो को एंड तक ही देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने लिप्स हाइड्रेट करने हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ वेसलीन, और उसके बाद मैं अपनी आईब्रो सेट करूँगी और मैं यूज़ कर रही हूँ स्पूली। आप चाहें तो कोई भी ब्रॉ पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और मैं हल्का सा मस्कारा अपनी आईब्रोज पे लगा रही हूँ, इससे आपकी आईब्रोज की शेप अच्छी हो जाती है। और अब मैं अपनी आईज़ को प्राइम करूँगी, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ माई ऑल टाइम फेवरेट मिस रोज़ का कंसीलर, जो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है। और अब आपने इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एक अच्छे और फ्लॉलेस मेकअप के लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, और मेरे तो ब्यूटी ब्लेंडर को इग्नोर ही कर देना, कहीं से लाल तो कहीं से पीला हुआ पड़ा है, क्या कर सकते हैं। बस आपने भी ऐसे ही हाथ चलाना है जैसे कि मैं चला रही हूँ, तेज़ तेज़ मशीनों की तरह रगड़ के रख देना है अपने मुँह को। जितना रगड़ेंगे उतना फ्लॉलेस मेकअप होगा। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मैंने तो बहुत कम लगा लिया कंसीलर, तो फिर मैंने और लगाया और मैंने अपनी आईब्रोज़ के अराउंड भी शेप दे दिए कंसीलर से। इससे आपकी आईब्रोज़ नीट एंड क्लीन लगती है और आपका आईज मेकअप भी अच्छा लगता है। इसे आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और अब मैं लूँगी हुदा ब्यूटी का पाउडर, जिसे मैंने जुल्म कर करके तोड़ डाला, और इससे मैं अपनी आईलिड्स अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि हमारा जो आई शेडोज है वो अच्छे से ब्लेंड हो सकें। ओके गाइस, सो मूविंग ऑन टू आई शेडोज, मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने रैंडम ही ऑनलाइन बाय की थी पैलेट। आप ये आई शेडो किसी भी पैलेट में से यूज़ कर सकते हैं। और मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ और अपनी क्रीज को अच्छी तरह से वार्म अप कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश। और अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। क्रीज बनाना बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी स्मोकी आइस के लिए। अब मैं एक और ब्लेंडिंग ब्रश लेके ऑरेंजिश एंड ब्राउनिश शेड लेके अपनी क्रीज को और ज़्यादा डेप्थ में ब्लेंड आउट करूँगी, क्योंकि स्मोकी आइस का मतलब ही ये होता है कि स्मोक्ड आउट लुक होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड रिक्वायर होती है ताकि वो स्मोकी आइस ब्लेंडेड लगे। और अब मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक लोकल ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ जस्ट फॉर दी ब्लैक बेस, और ये बेस आपने सिर्फ आईलिड्स तक रखनी है। और अभी मैंने बेस नहीं लगाया, तो अगर ये मेसी हो जाता है तो हम इसे बाद में ठीक कर सकते हैं। कोई सा भी आप जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं, और आपने एक फ्लैट ब्रश की मदद से इसे अच्छे से लिड पे स्प्रेड करना है ताकि हमारी स्मोकी आइस को एक बेस मिले। और अब मैं अपनी फेवरेट यूनिकॉर्न पैलेट से एक ब्लू शिमरी शेड ले रही हूँ, और इसे मैं अपनी फिंगर की मदद से टैप कर रही हूँ अपनी आईलिड्स के ऊपर। और अब मैं आपको एक सेकंड में दूसरी आईज़ बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल ऐसे, नो एडिटिंग, कुछ भी नहीं। और अब आपने मस्कारा लगाना है गंदे गंदे मुंह बना के, टेढ़े मेरे, और मेरा तो मुंह वैसे ही टेढ़ा है माशाल्लाह से। चले जी, हमारी आईज़ को ये कम्प्लीट। और अब हम आते हैं बेस पे, और सबसे पहले हम यूज़ करते हैं प्राइमर। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का प्राइमर। आपको इसे प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको ऑयल आता है आपने वहाँ अच्छे से अप्लाई कर लेना है, और आपने फिंगर से ब्लेंड करना है। बस ऐसे ही आपने अपने मुँह को रगड़ देना है जैसे मैं रगड़ रही हूँ, बस ऐसे रगड़ते जाना है। कुछ तो मेरा नीचे गिर गया है जो मैं ढूँढ रही हूँ, क्या ढूँढ रही हूँ, क्या क्या क्या, कुछ भी नहीं ढूँढा, ओवर एक्टिंग किया है। फिर से स्टार्ट कर देना है आपने, ओवर एक्टिंग नहीं, ब्लेंडिंग। चलें जी, अब बारी आती बेस की, और मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की लाइट बेस। गर्मियाँ हैं तो आप हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, और आपने इसे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लेना है। चलो वही हुआ जिसका डर था, यहाँ पर मैडम थक गई हैं, जैसे इनके फैंस तो वेट कर रहे हैं इनकी वीडियो का। और अब बारी आती है कंसीलर की, और मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का कंसीलर। आपने इसे नोज़ माउथ के अराउंड जहाँ जहाँ आपका डार्क एरिया है आपने वहाँ अप्लाई कर लेना है, और आपने ये थोड़ी सी ओवर एक्टिंग यहाँ पे भी दिखा देनी है जानबूझ के, ताकि हम प्रोफेशनल लगें, क्योंकि शक्ल से तो लगने वाले हैं नहीं, क्या पता हर को तो से लग जाए। तो इसके बाद अब हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो चलें जी, हमारे कंसीलर यहाँ पे हो गया है सेट, और अब बारी आती है पाउडर की, और हमने अपने मेकअप को लॉक कर देना है। जो जो क्रीमी प्रोडक्ट हमारे फेस पे लगे हुए हैं ये उसे बिल्कुल अच्छे से लॉक कर देता है। चलें जी, अब बारी आती है कंटूरिंग की, और मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टाइन की कंटूर पैलेट, जो बहुत ही अफोर्डेबल और बेस्ट है, और आपने ऐसे ही मछली जैसा मुँह बना के अप्लाई करना है।
चलिए जी, अब बारी आती ब्लश की और मैं ये लोकल ब्रांड का ब्लश ही यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी ब्लश यूज़ कर सकते हैं। मैंने पीच और पिंक शेड को मिक्स करके लगाया है, इससे बहुत ही प्यारा शेड बनता है। चलिए जी, अब बारी आती मेरी फेवरेट पार्ट की, हाइलाइटर की, और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जे डॉट का हाइलाइटर। बस आप मेरे गालों की चमक देखें। अगर आप ऐसे ही अपने फेस को चमकाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपको ऐसे ही चमकना सिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी। चलें जी, अब बारी आती है लिपस्टिक की, और मैं यहाँ पर न्यूड शेड अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इस लुक के साथ तो न्यूड लिपस्टिक ही अच्छी लगेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी सांवली रंगत होती है उन पे न्यूड शेड ज़्यादा निखर के आता है और ज़्यादा अच्छा भी लगता है। चलें जी, अब हम अपने मेकअप को फिक्स कर लेंगे, और मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। चलें जी, अब हम थोड़ी सी ज्वेलरी पहन लेते हैं जिससे हमारा लुक आज का हो जाएगा कम्प्लीट।